हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक और आज हम बात करेंगे अबाउट मेकिंग सम कमर्शियल्स क्योंकि ये हमने सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम ऐसा कर रहे हैं तो आज के वीडियो में फाइनली ये चीज बनने वाली है आगे जाके ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस और गहन होने वाला है तो दिस इज लाइक अ स्टैट्यूटरी वार्निंग पर हम जो ये म्यूजिक बनाएंगे इवन हु डजंट हैव एनीथिंग टू डू इट लाइक मेकिंग कमर्शियल्स या ऐसा कुछ यू कैन डेफिनेटली सी द प्रोसेस एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइक मेकिंग द म्यूजिक थिंग आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर श्योर चलो आगे करते हैं ये जो हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक जिंगल बनाया है तो दैट इज लाइक अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ मेकिंग अ जिंगल जिंगल के बाद में उसमें से यू कैन डेवलप न्यूमोनिक्स एज वेल न्यूमोनिक्स आर लाइक स्मॉल ट्यून्स लाइक इफ यू लिसन टू टिंग टिंग टिरिंग आपको तुरंत याद हो जाता है कि ओ ब्रिटानिया लाइक दैट ऐसे टाइप की कैची चीजें हो सकती है विच कैन बी लाइक इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है या दैट कैन बी एज वेल लिरिकल या वन लाइनर गाया हुआ कुछ ऐसा चीज एंड दिस न्यूमोनिक वो जो ब्रांड का जो सिग्नेचर वो किसी भी वीडियो एड में जा सकता है या आपका जो प्रॉपर जिंगल बन रहा है या उसके पीछे आपने वॉइस ओवर किया हुआ है म्यूजिक चल रहा है उसी के साथ में लिंक्डइन शुरू में आता है वो और फिर वॉइस ओवर आती है व्हाटएवर द मैसेज द ब्रांड वांट्स टू डिलीवर और उसके बाद में फिर वो लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग इफ यू टेक अ लुक एट माय वेबसाइट व्हिच इज लाइक स्टूडियो 6 की वेबसाइट इफ यू कम टू द पोर्टफोलियो सेक्शन You can see that we have like audio production, video production, songs, ये अलग अलग टाइप की चीजें जो हम बनाते हैं स्पीकिंग ऑफ वेबसाइट आपको डेफिनेटली एक अपना वेबसाइट बिल्ड कर लेना चाहिए बिकॉज आप जो भी ऐसा कॉन्टेंट बनाओगे आपका जो क्लाइंट है जिसको आप भेजोगे ही नीड्स टू हैव अ प्लेस जहां पे जाकर के वो गैदर करके वो सारी चीजें देख पाए और वेब प्रेजेंस आपका बन जाता है एवरीथिंग इज लाइक सॉर्टेड लाइक दैट आई एम यूजिंग दिस वेबसाइट फॉर दिस पर्पस ओनली सो इफ यू सी वी हैव लाइक जिंगल्स कुछ वीडियो के फॉर्मेट में मैंने यूट्यूब में तब्दील करके डाल दिया है सम आर फ्रॉम दिस साउंड क्लाउड इफ यू लुक वी हैव लाइक वॉइस ओवर्स फॉर ऑल दिस ब्रांड्स दैट we have done mnemonics aaj ke video mein hum mnemonic cover karte hain ya chota one liner tagliner something like that jo aap bana sakte ho let's boot up our logic pro x because this is the daw I am using aap koi sa bhi daw istemal kar sakte ho zahir si baat for instance ek brand hai even if you look at like universal ka jab aisa movie ke starting mein aata hai kuch ya pixar ka aata hai to ek chota sa unka theme music type ka ban ke aata hai ya jaise yash raj ka logo aata hai in the movie to ek theme music chota sa aisa likh ke aata hai to that you can consider as their one liner mnemonic something like that to aisa hi kuch cheez karne ka kuch examples dekhte hain aaj so maan lo ki hamare paas mein ek brand hai jo thoda kuch soft cinematic type ka kuch cheez mangta ho to maybe we compose something with piano ta da da ta da da maybe this is our melody simply we can do that let's get a piano ka sound साफ नहीं कर पाता हूं बहुत सारा धूल रह जाता है इसमें सो दिस इज आवर ए माइनर की ये हमने 3/4 यहां सेट कर लिया लेट्स फाइंड द टेम्पो फॉर दैट स्कोर इट टू 160 दिस इज फाइन अगर ऐसा मेलोडी है तो इट बिकम्स वेरी सिंपल यू जस्ट प्ले इट इन ओके वी आर डन क्वांटाइज दिस थिंग पहला वाला नोट हमने अनक्वांटाइज कर दिया दैट्स इट अब इसको थोड़ा सा भरेंगे ट्रांसपोज दिस थिंग Okay, we can have it. So, ये हमारा आइडिया है. Let's get another keys. We have. So, here it is. Let's quantize this as well. इसको यहाँ लगा देते हैं. Let's see. Maybe transpose it a bit down. Duplicate this thing. ऊपर वाला रहने देते हैं. नीचे वाले को जो lower octave है उसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं. So, we have it. ये हमारी basic tune हो गई है. Let's maybe take another instance of from another instrument. Let's add up something, a string type ka sound. Okay, bounce this thing up. Abhi tak project hi nahi save kiya tha, so let's save that pehle. इसको भी bounce कर लेते हैं.
हो सकता है कि आपके लिए बस इतना ही करना जरूरी हो, बट वी कैन टेक दिस फर्दर एज वेल एंड डेवलप इट इनटू अ फुल ब्लोन स्कोर. अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा एक्सटेंडेड थीम चाहिए, देन ही कैन डू द वॉइस ओवर और फिर दोबारा से ये न्यूमोनिक लगेगा. बट यूजुअली अ ब्रांड थीम कुड बी जस्ट सिंपल एज दैट, बट वी आर डेवलपिंग दिस आइडिया फर्दर इसके बाद का प्रोसेस. Sir, if we pull a groove after that, take contact for example, let's try to pull some loops from damage. इसका वजह से ये सब कुछ थोड़ा सा डबल टेम्पो हो गया. वन वे वुड बी रिड्यूस द टेम्पो ऑफ द प्रोजेक्ट, और अनदर वे वुड बी इफ वी कैन फाइंड द सिंथ. अनदर सिंपल, मैं ऐसा करूंगा कि आप ये गलती कर ही ली है तो व्हाई नॉट टेक अप. For the another segment of drums, पहले वाले पार्ट में why not put a crash as well? Yeah, done. Let's do a bass line for this. And we could be like singing थोड़ा choir जैसा भी कुछ साथ में, उसके नीचे हार्मनी ऐसे टाइप के और layers of vocals ऐसा करके इस melody को और enhance कर सकते. That would be very much of it. ये जो बीच का music part रहेगा उसमें they can do some voice over और we can develop this thing further into a full blown jingle as well. Like ये उसका hook line होगा and then the entire jingle comes in. पिछला अगर आप tutorial में देखोगे तो एक jingle बना ही हुआ है like that. और gradually इसको आप ऐसा multiple चीजों में develop कर सकते हो. इसको थोड़ा और extended बना दोगे, maybe they are making some ऐसा movie, then they might say कि यार इसको थोड़ा rock version में बना दो, इसको थोड़ा hip hop में बना दो, थोड़ा इसको ऐसा कर दो, like change up genre. तो ये जो बेसिक मेलोडी है इसी को लेकर के थोड़ा आगे पीछे शफल करके यू कैन डू अ टन ऑफ थिंग्स. सो आई होप दैट दिस वीडियो हैज बीन लाइक इनसाइटफुल एंड हेल्पफुल टू यू एज वेल. और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट स्टिल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले. प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.